समझे बच्चों? जी मास्टर जी। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने चैनल जी मास्टर जी पर। और आज हम हैं HCF एंड LCM के कंटिन्यूड पार्ट में। अभी हम लोग आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ LCM। जैसा कि हम लोग पूर्व से परिचित हैं, LCM माने हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हम लोग या फिर इसको एक और नाम कर सकते हैं, लीस्ट भी बोलते हैं कहीं कहीं, और हिंदी में बोलते हैं लघुतम समापवर्त। तो अभी क्या है कि आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के या पॉलिनोमियल्स के LCM कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे x टू द पावर 3 और x टू द पावर 4, ठीक है, तो हम लोग इसका LCM कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे x3 और x टू द पावर 4 का हमको LCM निकालना है, तो हम LCM के लिए क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में महत्तम मान क्या है। याद रखना है LCM निकाल रहे हैं तो जब फैक्टर्स लिख रहे होंगे उस समय, मल्टीपल में नहीं बोल रहा हूँ, जब मल्टीपल लिखेंगे तो हम लोग मिनिमम लेंगे, लेकिन LCM निकालने के लिए जब भी हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स तो लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात, अधिकतम घात, महत्तम घात लेंगे, ठीक है। अब जैसे x का पावर 3 और x का पावर 4 में ये दोनों में अधिकतम घात क्या है, निकालना है LCM, लेकिन ये फैक्टर्स लिख रहे हैं, हम लोग मल्टीपल तो लिख नहीं रहे हैं कि लिस्ट लेते हैं, हम लोग लिख रहे हैं फैक्टर्स, तो फैक्टर्स का दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम घात है x टू द पावर 4, इसलिए x टू द पावर 3 और x टू द पावर 4 का LCM x टू द पावर 4 होगा। ऑब्वियसली x टू द पावर 4 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स अमोंग ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ x टू द पावर 3 एंड x टू द पावर 4। x पर घात 3 और x पर घात 4 दोनों के मल्टीपल्स का जो सबसे लोएस्ट टर्म है वही जो होगा तो LCM होगा। एक सवाल है मित्रों, x माइनस 1 टू द पावर 2 इंटू x प्लस 1 टू द पावर 3 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 4 तथा x माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू x प्लस 1 टू द पावर 2 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 3 का LCM क्या है। तो हम लोगों ने अभी देखा LCM ज्ञात करने का हमारा सबसे बढ़िया क्या तरीका है, हम जब फैक्टर्स लिखे होते हैं तो हम लोग फैक्टर्स में क्या लेते हैं, मिनिमम पावर, जब फैक्टर्स लिखा होता है LCM में, LCM ज्ञात करने में जब फैक्टर्स लिखे होते हैं तो हम लोग लेते हैं मैक्सिमम घात वाला टर्म। अब यहां पर मैक्सिमम कौन कौन सा है, तो x माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो एक फैक्टर हमारा हो जाएगा इस LCM का x माइनस 1 टू द पावर 4। मैक्सिमम वाला लेंगे, x प्लस 1 का है इस पे, तो यस x प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार, तो हम क्या लेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 टू द पावर 3। और यहाँ x प्लस 2 टू पावर 4 है, x प्लस 2 टू पावर 3 है, मैक्सिमम कौन है 4 है, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 4। तो फाइनली ये हमारा LCM हो गया, मैक्सिमम पावर वाला हम लोग ले चुके, ठीक है। लेकिन अगर कोई टर्म अगर मान ले यहाँ पर मिस्ड है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर x प्लस 7 भी है और ये वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म यहाँ पर नहीं है, या हम कह सकते हैं कि है,
तो है तो अगर ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 7 टू द पावर 0 और इसको 1, तो है कितना मैक्सिमम तो x प्लस 7 हुआ ना, तो वो उस समय x या एलसीएम में x प्लस 7 भी इंक्लूड हो जाएगा, तब आंसर बदल जाएगा हमारा, तो आंसर ऐसे हो जाएगा। तो ये हम लोग एलसीएम निकालने का एक विधि है, या एलसीएम हम इसके संदर्भ में समझ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा समझ रहे हैं, एलसीएम का अलजेब्रा हम समझ रहे हैं। अभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो फैक्टर के रूप में होंगे, जैसे कुछ जगह कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x क्यूब माइनस 1 का एलसीएम याद कीजिए। अब यहाँ पर इसका तो फैक्टराइजेशन आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा सूत्र बेस्ड है, या और भी ऐसे बहुत सारे होंगे जिसको कि हमको फैक्टर करना पड़ेगा। तो वैसे प्रश्नों के लिए हमको पहले एलसीएम बनाने से पहले हमको सीखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक पॉलीनोमियल्स। तो इसके संबंध में मेरा एक वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है आप लोगों के बीच फैक्टराइजेशन से संबंधित, और उससे हम लोग अवगत हो जाएंगे कि हम लोग माने फैक्टराइज कैसे करते हैं, हाउ टू फैक्टराइज अलजेब्रिक पॉलीनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उनको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। और ये अगर आज का वीडियो आपको कैसा लगा अलजेब्रा ऑफ एलसीएम में, मेन सूत्र यही है कि एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम घात लेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो मिनिमम घात लेंगे, विधि है, फैक्टर दिया हुआ रहेगा तब, अदरवाइज एचसीएफ निकालने में फैक्टर्स दिया रहेगा तो हाईएस्ट लेंगे, एलसीएम निकालने में मल्टीपल दिया रहेगा तो लोएस्ट लेंगे। तो एक बार इसको कंक्लूड करते हुए आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का वीडियो आपको मित्रों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे यदि आप चैनल पर नए हो। कीप वॉचिंग जी मास्टर जी एंड एंजॉय मैथमेटिक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।